जिन बंदों ने इस साल ये जिमनी नहीं ली, मुझे लगता है कि उन्होंने एक गलती करी है। किसी ने भी अगर ये गाड़ी महंगी ली है और आपको लग रहा है कि आपका पैसा बर्बाद हो गया, परेशान कोई डिस्काउंट पे तो इसे खरीदना बनता ही बनता था। जो इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी ना, आप सोच नहीं सकते। मम्मी जो अंदर गड़बड़ हुई वो बता दो। वो अभी नहीं बताना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 31 दिसंबर। लड़के आप देख सकते हो पीछे छुट्टियां मनाने के बाद जा रहे हैं घर, और मैं भी इन्हीं के साथ जा रहा हूँ घर। ये रही जी जिमनी। कल इसका फेंडर वेंडर ये करवाया था, बट पेंट वेंट अभी नहीं हो पाया। पेंट तो नहीं, रैप ही करेंगे, बट वो भी खैर हो नहीं पाया, तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल सामान रख देंगे अंदर जी। और खुश हो, घर जा रहे हो? खुश हैं, आज पहला साल घर में ही मान जाइए सबको। नहीं है, मैं तो बेसिकली घर जा रहा हूँ, इसमें तो पहले से सामान रख रखा है। कोई बात नहीं, अपने पास बंदे हैं, ये सामान ऊपर छोड़ाएंगे, लेबर का काम। चलो, क्योंकि बैग हम पीछे रख लेंगे ना, ये वाला ऐसे ही रखा हुआ है। गाड़ी को अच्छे से कपड़ा वपड़ा मारने के बाद भैया भाभी भी जो है रेडी हो चुके हैं, और वो तो निकल ही गए। देखो हम भी निकले फिर, तू थैला लेके किधर जा रहा है? थैला आपके लिए गिफ्ट है, हैप्पी न्यू ईयर का। अरे बस कर, कूड़े वाला थैला है, देखो कुछ भी बोलता है ये। आज घर जाने का एक रीजन ये भी था, मम्मा भी कह रही है यार पिछले साल भी मैं जो न्यू ईयर पे घर नहीं गया था यही पे था, 1 जनवरी को हमने काफी अच्छा सा ऑफ रोड किया था, तो इस बार घर जाने का मेरा है मन। तो चलो ठीक है, निकलते हैं। चलो गाइस, चलो अभी क्या है कि इसमें फ्यूल भी करवाना है, प्लस आज दिवम भी जा रहा है घर। सर हैप्पी बर्थडे। सो देखो जी, नए साल खत्म होते ही, पूरा साल खत्म होते ही बर्थडे आ जाता है दिवम जी का। दिवम जी बस बढ़िया, क्या पार्टी खाओगे? पार्टी तो आज खाएंगे कुछ ना कुछ, सुक्का नहीं छोड़ेंगे। धुंध जो है वो पड़ी हुई है, नया साल आ रहा है, पुराना साल खत्म हो रहा है। क्या गाइस, क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपने नए साल में, बताओ तो मुझे जरा। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। पहले चलो, तू कैमरा पकड़ो और बताओ किसका क्या एक्सपीरियंस है। पहले आप बताओ, इस साल बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। मतलब मेरे लिए साल कभी भी ऐसा नहीं रहता कि हाँ भाई नया साल शुरू होगा तो मैंने ये करना है, मुझे ऐसा करना है, नहीं। बट क्या है कि कोई एक साल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपकी लाइफ में ना वो दर्ज होता है। जैसे मेरा करियर जो यूट्यूब का स्टार्ट हुआ, मैंने चैनल 2017 में शुरू किया, वो एक ईयर है, और मेरा जो चैनल चलना शुरू हुआ वो 2021 है, ठीक है। तो साल का ये मेन सिग्निफिकेंस रहता है कि उस साल में आपके साथ वो साल आपकी एक मेमोरी है, ठीक है। बाकी आप क्या करते हो, जैसे मेरा ऐसा नहीं रहता कि भाई नया साल आ रहा है तो ये कर देंगे इस साल में, नहीं। ये सारी चीजें ऑलरेडी प्लान है, क्या होना है क्या नहीं होना, आपने बस एफर्ट करना है, और क्या साल आपके लाइफ में क्या मेमोरी जोड़ेगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो बहुत कुछ सिखाया मैं अपना, तो बाद में बताऊंगा बहुत कुछ हुआ है इस साल में। अब बाकी बताएंगे इनकी जिंदगी में क्या ही हुआ है। क्या हुआ तेरी जिंदगी मालिक? उस हिसाब से मेरी एमएससी हुई है। तो अभी जिमनी के बारे में आपको मैं डिटेल, जैसा कि आप टाइटल थंबनेल में भी देख पा रहे हो, तो जिन बंदों ने इस साल ये जिमनी नहीं ली, मुझे लगता है कि उन्होंने एक गलती करी है। अगर डिस्काउंट में भी किसी ने नहीं ली और वो इस कंफ्यूजन में रह गया कि लेनी चाहिए थी नहीं लेनी चाहिए थी, तो आई थिंक आपको ले लेनी चाहिए थी। क्यों लेनी चाहिए थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी डलवा रहे हैं पेट्रोल, सुना है पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होने वाला है अगले साल से। अभी हो जाता तो हमारा पैसा थोड़ा सा बच जाता, पर चलो कोई चक्कर नहीं है। तो अभी देखते हैं कितने में फुल होगा, बिकॉज घर जाना है ना तो फुल ही करेंगे। तो आज कुछ ज्यादा ही डल गया है लगता है, पेट्रोल कम ही था, 30 लीटर तो डल ही गया। कर दो। और गाइस, जैसे जैसे पहाड़ की तरफ जाते जाएंगे ना, धुंध ज्यादा घनी होती जाएगी। जैसे जम्मू में शायद फिर भी थोड़ा दिख रहा था ना, यहाँ ज्यादा लग रही है। एक बज गया। और देखो अभी भी धुंध इतनी ज्यादा है, पर अच्छा है धुंध है तो कहीं मस्त बैठ के चाय वाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, है ना। पकौड़े का तो अलग ही फैन बेस है। भैया भाभी पीछे रह गए, शायद उन्होंने भी पेट्रोल डलवाना था। के एरिया में कितनी धुंध पड़ती है और ऊपर क्या मस्त धूप निकले रहा है। अभी कहीं फिर से डाउन में जाएंगे ना तो हो सकता है फिर से धुंध दिख जाए, बट यहाँ तो देखो बिल्कुल क्लियर है, मस्त धूप निकली है। भैया भाभी जो है वो शायद पीछे रह गए हैं, तो उनका वेट करने के लिए गाड़ी रोक दी है मैंने। और ये देखो कुछ का फोटोशूट जो है वो शुरू हो गया है। और यहाँ से देखो जो नए वाला रास्ता होगा ना वो यहाँ से बनेगा, देखो
ये जिस रास्ते से अभी हम आ रहे हैं ना, ये वाला, ये सारा का सारा कट ऑफ हो जाएगा। इसमें ये है कि एक तो ये टर्न्स वाला रास्ता है, प्लस यहाँ पे अगर रोड को वाइड करना पड़ता तो मतलब उतनी जगह ही नहीं है ना। देखो एक साइड खाई है, फिर पहाड़ कटेगा तो शायद वो बन नहीं पाती होगी। तो देखो वहां से नीचे पूरा, पर वहां भी देखो ब्रिज से बनेगा, ऐसे नहीं है कि जमीन जमीन कितनी कितनी हाइट पे पिलर दिए जा रहे हैं, सीधा हवा में ही रास्ता बनेगा। मंकी काफी ज्यादा रहते हैं, मंकी अटैक हो गया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपने 2023 में ये गाड़ी नहीं खरीदी तो शायद आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2023 में ये गाड़ी आई और जिन्होंने भी ये बाय करी उसमें दो कैटेगरी के लोग फॉल करते हैं। एक वो कैटेगरी के जिन्होंने इसे इसका जो कंपनी ने प्राइस निकाला उस पे बाय करा, और कुछ लोग वो जिन्होंने इसे आफ्टर डिस्काउंट बाय करा। तो मतलब ना डिस्काउंट की मुझे कोई भी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, कोई कहता है 2 लाख का डिस्काउंट है, कोई कहता है 2.5 लाख का डिस्काउंट है, कोई तो कहता है 3.5 लाख का भी डिस्काउंट है। तो मुझे नहीं पता आपने कितने कितने डिस्काउंट पे खरीदी है, जितने पे भी खरीदी है ना आपने भाई साहब। अच्छा तो भैया भाभी आ चुके हैं, चला चला रुकना, आगे ही रुकेंगे। क्या कोई परेशान लग रहे हो? नहीं तो हाँ, परेशान कोई? अच्छा वो हो रहा है आप गाड़ी केला। तो भाभी कहती है मन खराब हो तो केला खाना चाहिए। केला नहीं, हमने अनार भी लिया है, मामे लिए दोनों लिए अनार। चलो आगे चाय चाय पीते हैं, वहीं रुकते हैं ना। तो देखो यार इंडिया का पता है क्या सीन है, अभी जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बेस्ड है मेरे 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस पे। 2-2.5 साल में मैंने बहुत सी 4x4 गाड़ियाँ ली, बेची, चलाई और मार्केट को भी ना एनालाइज करा मैंने। तो जो चीज़ मैंने नोटिस करी वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है इंडियन मार्केट में, जैसे जो चीज़ जब आती है ना तो उसकी वैल्यू तब नहीं की जाती। इसमें हम बेस्ट एग्जांपल जो है वो लेते हैं जिप्सी की। भाई साहब जिप्सी जब मार्केट में आती थी ना तो नई गाड़ी तो कोई खरीदता ही नहीं था, मतलब सबको पसंद ही नहीं कि नई जिप्सी अनकंफर्टेबल है, कोई पॉइंट नहीं है उस गाड़ी का, क्या करेंगे। और लास्ट में कंपनी ने, क्योंकि BS जब 6 नॉर्म्स निकले तो कंपनी ने कहा इतना खर्चा करके हम गाड़ी को BS6 बनाएंगे और सेल्स नंबर हमारा कोई है नहीं, बिकती है नहीं, तो क्यों हमने करनी है। और भाई साहब आज सेकंड हैंड कबाड़ जिप्सी का जो प्राइस है ना, किसी टाइम पे वो नई उतने की आती थी। तो वही सीन है इस गाड़ी का। देखो जिन्होंने भी ये महंगी गाड़ी ली है, जिसमें मैं भी एक आता हूँ, मेरी सिचुएशन थोड़ी सी अलग रहती है, बट किसी ने भी अगर ये गाड़ी महंगी ली है और आपको लग रहा है कि आपका पैसा बर्बाद हो गया, कंपनी तो गलत किया गया, बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये गाड़ी बस अपने पास रखे रखो, अगर आपको घाटा तभी है अगर आप इसे सस्ते होने के बाद बेचोगे। जिसने ये गाड़ी ली है ना, आप इस गाड़ी को अपने पास रखो और बस 4-5 साल का वेट करो। मतलब 4-5 साल में ना अगर तो ये गाड़ी सेल्स का नंबर अचीव नहीं कर पाई तो मे बी कंपनी इसे बंद ही कर दे, और तब जो इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी ना आप सोच नहीं सकते। बिकॉज ये एक ना बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है यार। देखो थार से कंपेयर करना है आपको वो एक अलग चीज़ है, बट इतने साइज में आपको 4x4 मिलना, प्रैक्टिकलिटी मिलना, आप छोटी जगहों पे ले जाओ, बर्फ में ले जाओ, लाइट वेट का इतना प्लस रहने वाला है, तो ये गाड़ी के ना उस हिसाब से बहुत ज्यादा प्लस रहते हैं। तो यही मेरा रीजन है कि अगर आपने डिस्काउंट पे ली है फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है, लेकिन अगर आपने महंगी भी ये गाड़ी ली है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज ओवर द टाइम इस गाड़ी की वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई पैसा नुकसान हो गया। नहीं, बस रखे रखो, रोज इस गाड़ी को चलाओ, इसका फील लो, और टाइम के साथ जो अपनी वैल्यू ये आपको देगी ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने भी इस साल डिस्काउंट पे भी ये गाड़ी नहीं खरीदी ना, और आपका मन था, मतलब आपने इसलिए नहीं खरीदी कि आप कंफ्यूज थे पता नहीं वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। डिस्काउंट पे तो इसे खरीदना बनता ही बनता था। अगर आप सच में एक 5-door जिमनी का वेट कर रहे थे, मतलब जब ग्लोबल मार्केट में थी आप वेट कर रहे थे कि गाड़ी आएगी हम लेंगे, और आपने नहीं ली, बिकॉज मुझे लग रहा है कि स्टॉक क्लियरेंस के बाद इसका प्राइस फिर से बूस्ट होने वाला है। 15 लाख तक शायद ना जाए, बट फिर भी 14 लाख तक तो ये रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो बातें मैंने बोली है ना, मतलब मैं 80% इन बातों के लिए शुरू, 100% गारंटी तो मैं नहीं करूंगा। क्या आपका मानना है मेरे इस ओपिनियन को लेकर जरूर बताइएगा। तो ये एक मेन चीज थी जो इस गाड़ी से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अभी निकलेंगे घर की तरफ, थंबनेल लेना ही बनता था, एक ले लेते हैं। सर इस बार आप हफ्ता 10 दिन रहे, आपने कोई बातचीत नहीं की हमारे साथ। ऐसी साल से मंदिर में क्या है ना, सिलेंसर पड़ा हुआ ना सिलेंसर बहुत सिलेंसर। तो अभी गए चाय वाय पकोड़े वकोड़े खाएंगे बैठे हैं। तो भाभी का मन वैसे ठीक ही था, भैया मजाक कर रहे थे ना। पकोड़े मैं कह रहा हूँ कि क्वांटिटी ना ज्यादा हो गई है, तो भैया कह रहे हैं तू ना फोन को टाइम लैप्स पे लगा दे और फिर देखना ये कैसे खत्म होंगे ऐसे शू करते हुए। जाओ ट्राईपॉड ले आओ। वो तो बात ही नहीं कर रहा था। पकोड़े मानिक के जो है फेवरेट है,
तो मुझे लगता है टाइम लैप्स की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो ही जाएंगे थोड़े से ही है। आधी आधी मट्ठी भी खाई लेंगे ये लड़के। माने कि सब गुड फनी गाय, चले करे शुरू। अभी पहुंच गए हैं मंदिर, माथा टेक लिया, तभी ये कुछ खाने पीने के लिए ले रहे हैं मिठाई विठाई खा खा के, तभी इतना इतना पेट निकल गया है। क्या करें क्या करें गाइस, मैं तो घरवालों के लिए ले रहा हूं, मैं इतनी मिठाई खाता हूं गाइस आपको पता है, हमें चाहिए दाली जी। अरे समझ समझदार हो गया। सुंदरबनी में भी काफी चहल पहल जो है रहती है। देखो खाली बाजार, निकल चुका था घर की तरफ और फिर मुझे याद आया कि भाई अपने साथ तो पार्टी है, तो पार्टी को ड्रॉप करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज सेफली जो है इनके परिवार के हाथों में मुझे लड़कों को देना है, ठीक है ना। उसके बाद इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लेकर गया था। ये क्या सीन है, हम कोई दंतावड़ी करके आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना है कुछ भी, क्या कुछ भी, कुछ भी, चलो छोड़ते हैं इनको, उनके घर वाले बहुत खुश होंगे। आज छह दिन के बाद लड़के वापस आ रहे हैं, अब खूब इनसे काम करवाया जाएगा, और ये छुट्टियां मनाकर आ रहे हैं जी। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, हर बार आता हूँ ये बड़ा हो जाता है उससे, और अब तो ये भागता भी नहीं है, नहीं तो पहले गाड़ी देख के भागता था। तो ये सीन है जी, फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे। देखो मालकिन आज आपको पता है हमारे ऐसे रेडी रेडी से लग रहे हो, और सुनो ठीक हो, तो ऐसे शायद घर आए ना आए, लेकिन मम्मी ने कहा आना है नए साल पे, तो जब बूजी को पता नहीं होता, बूजी 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 वहां पे होते हैं। हाँ जब मम्मी को समझ गया ना तू, जैसे गई हम मसा खड़े थे, मसा आया गुआ पीछा कर दिया। अगर मम्मी को पता हम आ रहे हैं तो मम्मी एकदम ड्रेस्ड वेल ड्रेस्ड तैयारी के साथ। मुझे आपको दो बार फोन कर चुके होंगे, कहां पहुंचे, ये तुषार भैया को गया होगा पक्का, तुषार भैया को गया, किसी को नहीं गया, किसी को नहीं, सिर तेरा था भाई, तू खाना खा के जाएगा बस। अच्छा और पापा का है, पापा तुझे मिले नहीं, अच्छा कहीं बाहर ही है, हाँ और क्या, अभी गए उठ के लगा के। तो चलिए जी, ये उनका बिस्तर अभी पड़ा हुआ है, आप मम्मी की बातों से समझ पा रहे हो, फन एडवेंचर चलते रहना चाहिए। अभी बैठ के गपशप लगाएंगे, चाय तो रास्ते में पी ली थी, पानी वानी पियेंगे, पानी वानी पियेंगे और चाय वाय पियेंगे और खाना खाएंगे, आप पिलाओगे, हाँ और क्या। घर पहुँचते ही मम्मी ने पहले खाना निकाल के दे दिया है, अरे पकौड़े भी खा कर आए थे, मैं गजरेला भी बनाया, गाजर का हलवा ही बनाया, तो चलो गाइस खा लेते हैं, गाजर का हलवा पकड़ा मैंने। मम्मी जो अंदर गड़बड़ हुई वो बता दो, वो अभी नहीं बताना, नहीं ना। तो एक्चुअली हम बातें लग गए तो ये गैस मम्मी ने ऑन ही छोड़ दी, बट हमें खाने के लिए फिर भी मिल गया ना, तो बाकी जो है नीचे चिपका वो तो चलिए भैया अभी पहुंच गए हैं घर, तो खाते हैं गाजर का हलवा। सो गाइस फाइनली वीडियो जो है अभी एडिट कर रहा था, एडिट कर ली है, टाइम जो है लगभग 5:30 हो चुके हैं, यहाँ इंटरनेट की स्पीड भी कम रहती है तो अपलोडिंग का भी इशू रहता है। साल खत्म हो रहा है आज 31 दिसंबर, जिसका अच्छा गया तो भी जा रहा है, जिसका बुरा गया तो भी जा रहा है, तो नए साल में एक नई उम्मीद के साथ, नई होप के साथ, बड़े सारे नए आइडियाज़ के साथ मेहनत करनी है सबको, ये चीज़ें मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, तो मेहनत करेंगे, बाकी ऊपर वाला साथ देगा तो सब कुछ सही होगा। बाकी इस साल के मेरे एक्सपीरियंसेस की बात करें तो काफी सारी चीजें सीखी, और ये जो मेरा साल गया ना, मतलब इससे पहले मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं, मैंने कभी किसी चीज पे ना कोई वो नहीं सोचा नहीं कि हाँ इस साल में क्या हुआ, लेकिन इस बार मैं जो चीजें मैंने सीखी वो एक एक्सपीरियंस में काउंट हो रही है, काफी बड़े स्टेप मैंने लिए, काफी सारे लॉसेस हमें हुए, तो हर एक चीज सीखी, और बस अब उन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ एंटर करने वाले हैं नए साल में, तो देखते हैं नए साल में क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है हमारे लिए, बस ऊपर वाले में विश्वास है और अपनी मेहनत में विश्वास है। मिलते हैं आपसे कल नए साल के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।